अवतार क्या है, कैसे अवतार होता है? इस संसार के अंदर सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है, सब कुछ उसके अंदर विराजमान है और सब कुछ उसी से चलता है। जीव से लेकर के शिव तक सबके अंदर वही विराजमान है। प्रकृति से लेकर के उस परातत्व तक सबके अंदर वही विराजमान है। उससे कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार से अवतार आते हैं। एक वो होता है जो संतों के रूप में आते हैं, आपके कल्याण के लिए, आपको ज्ञान कराने के लिए, आपको परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, वो संतों के रूप में आते हैं। एक अवतार विशेष रूप में आता है, वो संतों की रक्षा के लिए आता है, धर्म की स्थापना के लिए आता है और जो उसके बिछड़े हुए जीव हैं उनको अपने पास ले जाने के लिए आता है। कुछ जीवों को वो अपने साथ ले करके आता है लीला में सहायक बनाने के लिए। तो ये हमारी पुस्तकों में, हमारे ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, रामचरितमानस में भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु दरी मनुज शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इसी प्रकार से ये शब्द गीता के अंदर भी बोले गए हैं, आपने पढ़े भी होंगे, आपने सुने भी होंगे। श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि जब भी धरा के ऊपर, संतों के ऊपर मुसीबतें आएंगी, संतों के मुसीबतों को दूर करने के लिए इस संसार के अंदर आऊँगा मैं, संसार के कल्याण के लिए, रास्ता दिखाने के लिए और इस धरा के कष्ट मिटाने के लिए वो विशेष रूप में आते हैं। समय के अनुसार कलाएं लेकर के आते हैं, समय के अनुसार ताकत लेकर के आते हैं, समय के अनुसार कभी प्रकट होते हैं, कभी पैदा होते हैं, कभी सीधा ही उतर करके आते हैं, कभी सह शरीर जाते हैं, कभी शरीर छोड़ करके जाते हैं। जितना जब जिस समय जितनी ताकत की आवश्यकता होती है, जितनी जिस समय जितनी इस पृथ्वी को धर्म बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए जितनी आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार वहाँ उस अनंत कलाधारी से, उस पूर्ण पुरुष से, उस अनंत जो पूर्ण महापुरुष है, जिस तक पहुंचना असंभव तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत कठिन है, उस पूर्ण परमेश्वर तक पहुंचना, उस पूर्ण तत्व से निकल करके और अपनी सीमित सी कलाएं ले करके इस पृथ्वी के कल्याण के लिए वह अवतार इस धरा के ऊपर आए भी हैं, आते भी रहेंगे। कभी भी ऐसा समय होगा नहीं कि जब आवश्यकता होगी धरा को और वो न आए। जब उनको कल्याण की आवश्यकता होगी कि भक्तों का कल्याण करना है, जीवों का उद्धार करना है और इस पृथ्वी के ऊपर जो ये पाप और अधर्म फैल गया है इसे हटाना है और जीवों को दिशा देनी है, तो उसी समय वो आएंगे। जैसा भी वो चाहेंगे उसी प्रकार से अपना रूप धारण करेंगे और लीला, जिसको लीला बोलते हैं आप लोग, इस धरती के ऊपर लीला करेंगे और जितना समय बिताना होगा बिताएंगे और निकल जाएंगे।